एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? तो अभी जो है मैंने जो अपना व्लॉग फर्स्ट व्लॉग जो है ख़त्म किया था दशहरे वाला, उसी दिन का जो है नेक्स्ट व्लॉग है। तो यहाँ पे जो है मैं आई हूँ अपने बाल कर्ल कराने। आई तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि पता नहीं मैं कैसी लगूंगी, लेकिन सच बताऊँ तो मुझे इतने ज़्यादा कर्ल्स अपने ऊपर अच्छे से नहीं लग रहे हैं, मतलब बुरे भी नहीं लग रहे हैं और अच्छे भी नहीं लग रहे हैं। और आप लोग बताना कैसे लग रहे हैं, और शायद इन्होंने इतने अच्छे तरीके से करे भी नहीं हैं। मैंने पहले करवाए थे कहीं, वो बहुत अच्छे कर्ल्स थे, वो खुले खुले से, पता नहीं ये तो कुछ अजीब से लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? अजीब कैसे लग रहे हैं रुबतिया? ठीक लग रहे हैं? मुझे पता नहीं क्यों अजीब से लग रहे हैं, या तो अभी मेकअप ना करा मैंने इस वजह से। तो मैं जो है अपने हल्के से कर्ल्स करवा के आई हूँ, पता नहीं कैसे हो रहे हैं। मेकअप करने के बाद पता चलेगा कैसे लग रहे हैं। ठीक है, चाय बना रही हो? और दोपहर के जो है 3 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था, तो मुझे जो है फिर मेकअप करना स्टार्ट करना था। तो उससे पहले अपना पेट पूजा हो जाए वो ज़्यादा बेटर है। तो दाल चावल है, दशहरा वाले दिन दाल चावल बने थे, पूछते हैं तो मैं दाल चावल खा रही हूँ, अपने लिए चाय बनाई थी मैंने, और उसके बाद आराम से बैठ के अपना मेकअप करना स्टार्ट करूँगी। आप लोगों को पता ही है आज रिंग सेरेमनी है, तो उसी का जो है पहले मैंने सोचा कि मैं पार्लर में तैयार होकर आ जाती हूँ रिलैक्स होकर। फिर मुझे लगा नहीं भैया, अपना टैलेंट आता है मुझ में मेकअप करना, कि ऐसा भी करूँगी खुद ही करूँगी। तो यहाँ पे जो है मैं अपनी ड्रेस निकाल रही थी, हमेशा मैं अपने कपड़े ना उल्टे करके ही रखती हूँ, तो उन्हें जो है सीधा कर रही हूँ, उन्हें इसे पहनूंगी, चेंज करूँगी कपड़े और फिर जो है मेकअप करूँगी। पता नहीं कैसा मेकअप लगेगा, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने कैसा मेकअप किया है। मैं जो है रेडी हो गई हूँ। हाय पापा। हेलो। वे दोनों जो है रेडी हो रहे हैं, मुझे नहीं पता मैं कैसी लग रही हूँ। अपनी तरफ से तो जो है मैंने अच्छा ही करने की कोशिश की है। थोड़े मेरे कर्ल्स कैसे लग रहे हैं आई डोंट नो, बहुत लाइट लिप शेड रखी है। अभी जो है बस हम निकलने वाले हैं, 5:30 हो रही हैं, हमें कहीं और भी जाना है, फिर हम लोग वहाँ पर जाएंगे। मिल गई। हेलो सागर। हेलो हेलो। मम्मी से भी हेलो करवा देते, फिर हम लोग निकलते हैं। हम ताऊ जी मतलब सबकी गाड़ियां एक साथ ही जाएंगी, तो हम लोग सबसे पहले रेडी हो गए हैं, अभी कोई और रेडी नहीं हुआ। हेलो हेलो, क्या हाल है भाई सबके? सब बढ़िया सब बढ़िया। चलो भाई, सारा सामान जो है मेरा इस तरीके से फैला पड़ा है, मैं आके जो है संगवाऊंगी। ठीक है, मैं पूरा अपना आउटफिट आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। मैं तो है सबसे पहले तैयार हो गई थी, क्योंकि मुझे जो है रेडी होने में टाइम लगने वाला था। तो यहाँ पे जो है मम्मी रेडी तो खुद ही हो गई थी, क्योंकि मम्मी को ज़्यादा मेकअप समझ में नहीं आता है। तो बस मैं इनका जो है साड़ी का यहाँ पे पल्ला लगा रही हूँ। मैं बता देती हूँ कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि हमारी फैमिली में जो है शादी है, और उसी की जो है रिंग सेरेमनी है, हम वहीं जा रहे हैं सब लोग तैयार होके। शाम की थी, मतलब रात की रिंग सेरेमनी थी, तो हम लोग जो है इसीलिए जल्दी जल्दी तैयार हो रहे थे। और ये वाला गाउन आप लोगों को याद होगा, मैंने आज से 1-1.5 साल पहले खरीदा था, एक वेडिंग में पहना था, तो आज भी मैंने यही पहन लिया। पहले मैं कुछ और पहनने का सोच रही थी, लेकिन बहुत सारा कसमकश में फंसने के बाद फिर मुझे लगा कि चलो भाई मैं यही गाउन पहन लेती हूँ। ये गाउन पहनने के बाद बहुत प्यारा लगता है, और इसके साथ क्या हो जाता है, मैंने पहले जो है मेकअप पार्लर में करवाया हुआ था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं इतना अच्छा कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो मम्मी भी जो है रेडी हो गई हैं, उसके बाद हम सब लोग जो है साथ में ही निकले हैं, हम हमारे ताऊ जी
अब जो है तीन गाड़ियाँ थी, एक हमारे आगे थी बिचवाली में हम थे और एक हमारे से पीछे थी, तो तीनों गाड़ियाँ जो है साथ ही चल रही थी क्योंकि फैमिली फंक्शन है तो फैमिली साथ में जाएगी ही जाएगी। तो हम सब लोग जो है गाड़ी में बैठे हुए हैं, यहाँ से निकल गए हैं और आराम से जो है हम टाइम से ही पहुँच गए थे। हम लोग जो है गाज़ियाबाद गए थे, रास्ते में जो है ट्रैफिक मिलता है तो इसलिए जो है थोड़ा सा हम जल्दी निकल गए थे, कहीं हम लेट ना हो जाएं। जो है यहाँ पे पहुंच गए हैं और मैंने ज्यादा व्लॉग नहीं बनाया है, थोड़ी मोटी सी क्लिप सागर ने ही आप लोगों के लिए बनाई है। तो यहाँ पे जो हम लोग पहुंच गए, नाश्ता वास्ता हमारा सब का हो गया है, आटो के साथ ही जो हम लोगों ने खा लिया है और यहाँ पे जो है लड़का लड़की बैठेंगे, पहले तो अपनाना होगा उसके बाद जो है रिंग सेरेमनी होगी। और आराध्या और कृतिका आप लोग को हाय बोल रहे हैं, ज्यादा लोगों से मैं आप लोग को नहीं मिलवा पाती, आप लोग को पता ही है व्लॉग में आना कोई पसंद नहीं करता है। तो यहाँ पे जो है मैं बैठी हुई हूँ, मैं मम्मी और साइड में जो है मेरे ताऊजी की लड़कियां बैठी हुई थी। और ये वाली क्लिप स्पेशली सागर ने आप लोग के लिए बनाई है, यहाँ पे जो है अपनाना होता है जो शायद रिंग सेरेमनी से पहले होता है वो होता है और सब लोग जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, वही सब कुछ चल रहा था। और लड़की वाले जो गिफ्ट देना चाहते हैं वो देते हैं और लड़के वाले जो लड़की को गिफ्ट देना चाहते हैं वो देते हैं, वही सब होने के बाद उसके बाद जो है रिंग सेरेमनी स्टार्ट हो गई थी। फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए हैं। बहुत जल्दी दीदी जो है भात नोतने के लिए भी आने वाली हैं, वो भी व्लॉग मिलेगा। हम लोग जो है घर पे आ गए हैं और बिल्कुल अभी अभी आए हैं और टाइम हो रहा है 11:10। मम्मी ने वहां पे अपने कड़े तार दिए, मैंने पहन लिए, मम्मी ने मुझे पहना दिए। मेकअप इतनी मेहनत से करा था, एक आधी सेल्फी और लेने का मूड है पर गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, बाल ही लज गए मेरे। उसने मेरे कर्ल्स इतने अच्छे ना लगे ना सागर, और अच्छे हो सकते थे लेकिन चलो जैसे भी हुआ ठीक है। चलो भैया अब अपने कपड़े बदलते हैं, ये सारा सामान फैला हुआ है जिसे मुझे संगवाने का बिल्कुल मूड नहीं, सबसे ज्यादा पहले ही नहीं तारो। मैं कैसी हो गई, एक आंख भारी एक आंख हल्की। वैसे कुछ भी बोलो, चैन तो अपने घर के कपड़ों में आके मिला है। मैं चलो कपड़े चेंज कर दूं क्या? ना ना ना, ना यार दिमाग मत खराब कर, मेरी भीड़ फालतू की भीड़। और कहाँ गए थे वो तो दिखाऊं? अब वो तो मैंने बता दिया अच्छे से यार, फोकस करना। हम गए थे रिंग सेरेमनी में, ये हो ही नहीं रहा फोकस। अपने भांजा लगा है हमारा, अपने भांजे की रिंग सेरेमनी में गए थे, हमारे साथ का ही है वो, मुझसे तो छोटा है सागर से बड़ा है। तो उसकी जो है रिंग सेरेमनी थी ताऊ जी के लड़की के लड़के की, तो हम लोग वहां पे गए थे और मैं सास बन गई क्योंकि हैप्पी मुझे मौसी बोला है और उसकी वाइफ की मैं सास लगी, तो मौसी सास हो गई। अब वाह सागर ओदा बड़ा होगा मेरा बहुत ज्यादा है। तो अब जो है इसी तरह जो है दीदी जो है भात नोतने के लिए भी आएंगी, अब कुछ मतलब 4-5 दिन बाद ही जो है दीदी भात नोतने के लिए आएंगी, तो बहुत सारा काम है और बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आप लोगों को दिखने वाले हैं। अब डांस डांस किसी गैल करके, जब वहां कोई करी ना रहा था यू द डांस करके, मैं लड़कियों के बीच में नाचता नागिन नागिन मैं कैसी लग रही हूँ ये जरूर बताना मुझे। हट जा भाई हट जा, ठीक है। तो अब हम सास बन गए हैं, सासु माँ का ओधा हमें मिल गया है, इतनी फैंसी सास तो चलो मैं कपड़े वपड़े चेंज कर लूँ थोड़ी देर में, देखती हूँ आपसे फिर कम मिलती हूँ, बहुत गर्मी लग रही है मुझे। जरूर एक ना एक दाना निकल जाएगा, देख ना ये कितना मोटा और भयंकर निकल रहा है, एक यहाँ और एक छुटकुसा यहाँ पे भी निकल के आ रहा है।
पता नहीं क्या है ही नहीं। और मेरे दाने ना, मेरे वैसे फेस पे मेरे दाने नहीं होते हैं, लेकिन अगर बाय चांस मेरा एक भी दाना हो गया तो कम से कम वो एक डेढ़ महीने से पहले जाने ही नहीं वाला, चाहे मैं उसका कुछ कर लूँ। इस तरीके के जो है दाने से बन जाएंगे। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो को यहीं एंड करते हैं। रात मैंने जो है कपड़े वपड़े चेंज किए, नहा ली थी, उसके बाद जब बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी व्लॉग बनाने की, और फिर जो है मैंने अपने इतना सारा सामान फैला हुआ है, मैं अभी जो है संगवा के आई हूँ और अब यहाँ पे बैठी हुई हूँ। दीदी भी जो है 19 या 20 तारीख में जो है भात नोतने के लिए आएंगे, उससे पहले पूरे घर की जो है मुझे क्लीनिंग करनी है और फिर देखते हैं आगे, फिर शादी होगी, मतलब आगे होगा व्लॉग बड़े मज़ेदार आने वाले हैं। ठीक है, तो अभी मैं अपनी इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगा हो तो लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, बाय।